केरल गोल्ड स्कैम मामले में पूरी बड़ी स्मगलिंग मामले में आपको बता दें बड़ी गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी उपलब्धि है ईडी को मिली, आपको बता दें जांच को लेकर बड़ी गिरफ्तारी सामने आई है इस पूरे मामले में। केटी रमीज को गिरफ्तार किया गया है, किन पे इसे माना जाता है आपको बता दें। और हमारे सहयोगी भवतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। भवतोष, निश्चित तौर पर इसे मुख्य शख्स माना जा रहा था इस पूरे स्कैम का, क्या कुछ और जानकारी, कहां से गिरफ्तारी हुई, कैसे गिरफ्तारी हुई, लीड कैसे मिली, जरा अपडेट बताइए। देखिए, ये गिरफ्तारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कुछ देर पहले की है। पूरा मामला जो है वो जून 2020 का है, जब कस्टम्स एयरपोर्ट में करीब 30 किलोग्राम सोना जो था वो तिरुवनंत एयरपोर्ट पे पकड़ा था, जो कि डिप्लोमेटिक चैनल से निकाला जा रहा था। ये सोना जो 32 किलोग्राम सोना पकड़ा था उसकी मार्केट वैल्यू करीब 40 करोड़ के आसपास थी, क्योंकि जब ये अपने में इतना बड़ा क्वांटिटी का सोना था, सरकार ने इसका इन्वेस्टिगेशन एनआईए को दिया था। उस इन्वेस्टिगेशन में केटी रमीज जो था वो पहली बार पकड़ा गया था और उसका स्टेटमेंट एनआईए ने लिया था। इस पूरे मामले में कस्टम्स और एनआईए की जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया था। उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, कई बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की भी गिरफ्तारी हुई थी, स्वप्ना सुरेश की भी गिरफ्तारी हुई थी। इस बार पहली बार रमीज की गिरफ्तारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने की है। ये मेन प्लेयर अगर कहा जा सकता है तो केटी रमीज है, जिसके आसपास ये पूरा मामला घूमता है। कहा जा रहा था कि पर ग्राम सोने पे ये करीब 10,000 रुपए देता था कई लोगों को, और यही आदमी है जो कि करीब 2 साल तक 2018 से 20 तक यही वो शख्स है जो कि सोने की तस्करी करता था यूएई और मिडिल ईस्ट से, केरला से, और फिर केरला से ये सोना अलग अलग जगह भारत में और कह सकते हैं कि मिडिल पूर्वी साउथ ईस्ट एशिया में भी ये सोना को स्मगल किया जाता आगे।